साथ है, ये जॉइंटली वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुन, एक काम कर, बैग याद रखो, वो और पाना बैग जी, ठीक है ना। चुनावी चिन्ह जो है ना वो है बैट, बैट, क्योंकि अब तो लग गए हैं लास्ट हमारा 25 तारीख का जो है, तो जो चुनाव जो है वो आप 25 तारीख को जो होगा, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आप लोगों को सबको प्रार्थना है कि अपन इकबाल मना साहब को ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मेरी कुलगाम बरादरी, अनंतनाग बरादरी जो है, जो 114 फैमिलियां है जिनको आज तक अभी भी क्वार्टर हमारे जैक्टी कैंप में, इतने बड़ी टाउनशिप में और बाहर कहीं भी जहां भी खाली है, जो आपकी पेंडिंग डिमांड थी, कई सारे कमिश्नरों के पास आप लोग गए, यहां आए दिन आपकी म्यूनसिपलिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपने मेरे सामने रखी, मैं नीरू को यह आश्वासन देता हूँ कि म्यूनसिपलिटी की गाड़ी और जो आपकी लेन और ड्रेन जो है उनकी साफ सफाई के लिए मैं रिलीफ कमिश्नर साहब की नोटिस में ये सारी चीज़ें ले आऊँगा। डीसी रिलीफ जो हमारे विजय कुमार जी हैं या अरविंद, डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब जो है, मैं रैना साहब आपको ये आश्वासन देता हूँ, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा और आपकी ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा। फिर एक बार मैं आप सभी बहनों का, भाइयों का, बुज़ुर्गों का, क्योंकि यहाँ हमारे डिस्प्लेस कश्मीरी हिंदू जो पुराना जो ओल्ड पुरखो कैंप जो है, मैं आज उसमें आया, यहाँ मैंने हाजिरी दी ताकि आप लोग ये ना कहें कि आप हमसे अलग हैं, क्योंकि मैं पिछली बार जब आया तो मैं जो नए हमारे जो पुरखो कैंप जो बना है, मैं पहले वहाँ चला गया, कैंपेन भी की और यहाँ एक बहुत बड़ा भव्य सत्संग भी चल रहा है, मैं वहाँ भी मथा टेका, वहाँ भी अपने बहनों से भाइयों से मिला। इतना ही कहते हुए फिर एक बार मैं आपको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि सीरियल नंबर 8 जो हमारी चुनाव का जो निशान है जफर इकबाल मनाज साहब का, वो बैट है, उसके ऊपर ही आप मोहर जरूर लगाएंगे। ये आप लोगों से मेरी, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से, ये काम आप जितने भी आप लोग आस पास हम पड़ोसी है, रिश्तेदार है, हमारे डिस्ट्रिक्ट आसपास वाले, डिस्ट्रिक्ट कुलगांव वाले, डिस्ट्रिक्ट शुपियन वाले भी है थोड़े, हाँ रजौरी वाले भी है, मैं शुपियन से वैसे बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट, हाँ आपको हमारे से जितना भी है, मेरे घर में 8-10 वोट है, वो पड़ेंगे पड़ेंगे। थैंक यू, ये वादा यूट्यूब प्रॉमिस दे दूँ। तालियां। कि इन्होंने यहाँ आने का कष्ट कर दिया, तो वैसे भी ये इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है, योगी जी को तो सब जानते हैं, पहले भी इन्होंने काम किया है इस कैंप के साथ, खासकर बकाया साहब के साथ, इन दोनों को तो ये कैंप भूल नहीं पाएगा कभी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही काम किया है यहाँ, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कभी भी एमरजेंसी में कोई काम करना पड़ता था तो इनका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहता था। मुझे आज ज्यादा ये खुशी है कि योगी जी फिर से इस पार्टी में आए, बकाया साहब और इनके साथ जो थोड़ी दूरी हो गई है फिर से एक हो गए, तो लोग खुश हो गए इस, और मुझे आशा है कि जब भी कोई काम होगा शिद्दत से होगा, आने वाले इलेक्शन में हमें एकजुट होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। बाकी योगी जी आपसे दिन कोई नहीं है, हम आपके साथ हैं और हमारे यहाँ नौजवान जो है प्रेसिडेंट है अनिल जी बान, किशोर साहब है, महाराज कृष्ण है, बड़े काम करने वाले बंदे हैं, ये आपको सहयोग हम पहले भी देते आए हैं, आपको आगे भी देते जाएंगे। आशीष दिलसा माइग्रेंट वेलफेयर कमेटी मुठी कैंप फेज 2 तरफ तो इस्तकबाल करन प्यार सान दिलसान ऐसे याचन गढ़नी पैटे के अश्निश का ही मगर अश्निश औसन कहीं नहीं हुआ। आज जो इलेक्शन आज हमारी जरूरत भी है और हम चाहते भी हैं,
कि हमारे पास कोई लीडर ऐसा है जो हमारी बात सुने, जो लास्ट 30 ईयर से किसी ने सुनी नहीं है ना सुनाई गई है। अब योगी जी ने जब अपनी पार्टी ज्वाइन की तो हम सबको भी दिल से बहुत खुशी हुई। जैसे कि जब 2014 में मोदी जी आए, हम सब में हर्षोल्लास था कि चलो अब हमारी कम्युनिटी को कोई पूछेगा। वैसे ही हमारे दिल में योगी जी बसते हैं, सत्थू जी बसते हैं, बकाया जी बसते हैं। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज हम लोग तहे दिल से सपोर्ट करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे, इनके साथ चलेंगे। मगर इलेक्शन जीतने के बाद मेरी इनसे भी यही विनती है कि ये इस चीज को भूले ना। नानाजी वातसुन सर्वत्र नमस्कार। आदरणीय योगी जी, वीरेंद्र सत्थू साहब, एमएल बास साहब, अशोक बावनू साहब, यपेक्ष जेएल पंता साहब, हीरालाल जी छे, मनोहर कोवल साहब की या तरी ये बेहद सारे नमस्कार। मैं बासन योगी सबन बनो रुचिये ना कह सो तो सहरी थोड़ पढ़ो गायत्री मंत्र है थोड़ा कैसे आस। ओम गायत्री नमः ओम पूर्वसा सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवसे धीमहि तन्नो मा भर्गोदयः। भवे माता की जय। भवे माता की जय। तो भाई मैं शुभ ब्रह्मा थी ये कैंपस खदमत कर मुझ खा पक्का ये चाहे शायर नहीं पता उन टाइम तात मोद लोग में कहां था तो तीन पद आज भी यात पार्टी मजन अशकोर कशीर ज्वाइन अलता बुखारी बाशो में सारे को अपजोर इंसान एक सच्चा आदमी जो कभी झूठ नहीं बोलता है। सोच तुम दोन ये पालन ऑर्डर एग्रीकल्चर कॉलेज एम्स आसन आक दो वेल डब्ल्यू तुम दोन आज ब्रोट मेरे ख्याल में 40 साल हफ्तों से उसी सात गाड़ी बदलाव तमें तम हम तम आज 10 लक्ष 15 लक्ष 20 लक्ष आसान यह सठा बोर्ड मोहन बोर्ड पे लिहाजा अम उतर ऐसे ज्वाइन करने वजह सारी योगी साहब वात साहब दपन तो मे मल थ 50 साल करोड़ तम निजात वन बे वो तम बड़ बटन मुतलिक दपन मे क्या खराब ये माइग्रेंट वर्ड ये माइग्रेंट वर्ड हटाओ तुम कश्मीरी पंडित रेस्पेक्टेड ये माइग्रेंट का थो मे तो मोन अगर मानू इत ना मे कथ अगर तुम मानू बो वो गोड़े माइग्रेंट वर्ड सारे खुद ब्रो बाई बकाया सब हस मे वोमुत पान क्या बकाया सब वो मेन मोज दोपन ये हेचन लिहाजा बकाया सब मे मोल तु जानू तो बकाया सब बह न पथ क्या लिहाजा ब्यूट अस इस इंसान पज मदद दिन अस वो वो रेत खंड तन पे दु श्रीनगर तर अस बास यो पी डी पी एम कांग्रेस वांग्रेस वो क्या कलकत नी पी यार दोस्त बच्चे बन तमसा पमसा यह तुल दुकान यह लास्ट स्टेज तिको कर दुनिया मन त्रे पावर अच्छ वोट पावर ब्या मसल पावर मसल पावर तो कहें वोट पावर वोट हको वन यूज कर योगी जी को कोई जानता है ये मे पी कम्यूनिटी पनस घर मे सेफ आस ये मे पे घर का इज्जत कर ये मे तु सपोर्ट करू ते हक पगह बोर्ड लीडर बनि ते हक बाकन जन पी लीडर चमक। मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट हिंदू काफी सारे ट्रस्टीज हैं एनजीओज हैं बड़े बड़े डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों में हमारे कश्मीरी विस्थापित बरादरी के लोग हैं ठीक है। हमें अच्छा लगता है कि वो अपने अपने काम अपने अपने जो भगवान ने उनको जो जिस जगह भी है बस करो माता रानी उनकी भी लंबी आयु हो वो भी आगे फले फूले। आज हम एक चीज एक संकल्प मुट्ठी कैंप से ही स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट कैंपेनिंग जो हमारी आज 15 दिन या 20 दिन या महीने से जो चल रही है ये लास्ट क्योंकि युद्ध ये हम भूल कभी नहीं सकते हैं क्योंकि मुट्ठी कैंप को हमने अडॉप्ट किया है
और ये यहाँ हमारी जड़ें हैं, यहाँ हमारी पहचान है, यहाँ आप लोगों ने वक्तन फवक्तन आपने हमें सपोर्ट किया है। और जहां से लास्ट में मैंने सोचा कि लास्ट पक्ष इंसान पद कैंपेनिंग कर वातन पन्नस घर मज मे दा ये इलेक्शन बिगुल बजोमुत बह लास्ट किस लास्ट दो कैंपेनिंग आसि बस पन्नस घर मन पन्न माजन पन्न बुजुर्गन पन्न बेन बेम नए वोटर्स सन जो हमारे बच्चे और बच्चियां जो है जो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे मैं उनके साथ रूबरू होऊंगा और मैं अपनी बात जो है उनके उनके साथ करूंगा। अब देखो यहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां आई होगी, यहां सबों ने अपना वोट मांगने के लिए डेमोक्रेसी है, हर एक आदमी आएगा। वेलफेयर कमेटी जो इनके अध्यक्ष है, चेयरमैन है, सेक्रेटरीज है, जो आपकी बॉडी है, आपकी टीम है, हमें कोई संकोच नहीं है। वो आए आपसे मिले, आप उनको मिले, लेकिन 70 साल की राजनीति को और जिन पॉलिटिकल पार्टियों में जब कोई ऑप्शन था ही नहीं, जो हमारे कश्मीरी विस्थापित उन पॉलिटिकल पार्टियों में है, लेकिन आज वो दौर आया है कि ऐसी सठा किस्मत हुई कि इस बार कश्मीर में तीन जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं उनमें से बीजेपी ने इस बार कोई अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी किसी भी, चाहे वो बारामूला हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो अनंतनाग रजौरी हो, आपको पता है। लेकिन मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि आपने सुना होगा, आपने देखा होगा ग्राउंड पर इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और हमारे जो सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जो प्रेसिडेंट यूजन यानी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हूं छो, वो हमेशा हाथ उठा के हंसते खेलते कहते हैं कि अरे ऐसा अगर कैसे मांगू छू सहबा छू मांगू ऐसे दिल वालन हिंदुस्तान छू सो मांगू ऐसा सा अगर कह चीज मांगू छू तो छो ये बोधन छू ना वालन सो दपन अगर अस मांगू छू अस मोदी सोबस मांगू अस होम मिनिस्टर सोबस मांगू यम बाकी पॉलिटिकल पार्टी छ। आज मैं मुठी कैंप से उनको ये याद दिलाना चाहता हूं क्या ये वही वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कहती है कि क्या बच्चे वहां दूध या टॉफी लेने गए थे, और ये वही पार्टी है जो यहां आते हैं जो कहते हैं कि तिरंगा झंडे को उठाने वाला कोई नहीं होगा, और इतना ही नहीं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और हमें अमरीका या चाइना से मांगना चाहिए। अरे भाई आपकी कुर्सी खिसक गई है, आपकी जड़ें, आपकी बाकी राजनीति जो है, जिन कश्मीरी पलटू ने आपको हमेशा वोट दिया, जिनका जिनके लिए आपने मार्केटिंग की, जिनके साथ आपने उनके दुख और दर्द को बेचा, और आज आप किस मुंह कश्मीरी व्यवस्था पे डिस्प्लेस कश्मीरी माइग्रेंट के पास जाके वो लीडर यहां आके वोट मांगते हैं, मैं उनको ये जरूर कहना चाहता हूं। कश्मीरी पंडित पढ़ी लिखी को वो सिर्फ कागज और कलम की लड़ाई लड़के और जिन्होंने उस पॉलिटिकल पार्टी को जब बनाने का टाइम था वो यही कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट है, और जब ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को शाप या जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट नहीं करेंगे वो हमेशा वो पार्टी डूब गई है, और हमारा शाप जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। क्योंकि आज की डेट में मैं आपको ये जरूर कहूंगा विकल्प छू उनके कोई सो विकल्प छू युजन ऐसे सपोर्ट उनके कारण युजन बार बार होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या यम जन जम्मू कश्मीर लद्दाख मज यस वनस नेशनल पार्टीज या जन बीजेपी वो हमारे लिए कैंपेन कर रही है, उनके लीडर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने ये कहा कांग्रेस एनसी पीडीपी को छोड़ के आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है
आप जिसको भी आपने सपोर्ट करना है आप खुले दिल से उसको सपोर्ट कीजिए। और मुझे लगता है कि बैट यूजन छो यूशुज धो आदि कारण जफर इकबाल मनाज साहब को वोट आपने नहीं डालना है, वो वोट डालना है वो आपने डालना है कश्मीरी पंडित यूजन छो यूजन तोहनिशन उनके नस आओ कंडेट्स मंडेट सानी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मे बासान बीजेपी बीजेपी तुम्हें तमसी मंडेट दुम मगर वोटर अस पे हुकुम नामा आमुत तह नश आव ननाजी वाकल तह नश आव वीरेंद्र सोतू सब तह नश आव पंडदास तह नश आव बस तह नश आव बवनू सब सिदा सब या बेगा सब तुम्हें तमिस वोट दिन यम जन तह नशन आए मगर वो अगर यहां नहीं आए आन बिहाफ आप आए तिंद वन मुताबिक तह नशन कि यम लटि यु जन तुम वोट त्रो सीरियल नंबर ओठ युक निशान चिन्ह बैट इस बैट ऐसा बटन दबाओ ऐसे आप बाहर निकलो और बारी मत से आप रिकॉर्ड तोड़ इस हमेशा इस पर अंग जाए तुलने यस इस पर हमेशा हमें कहा जाता था कश्मीरी हिंदू कश्मीरी डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित जो सम वो घर से बाहर नहीं निकलता है वो वोट नहीं डालता है। लेकिन हमने ये उनको बताया जब 13 तारीख को इलेक्शन कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी का था वहां पार्लियामेंट के जो प्रोटोकॉल उन्होंने एंजॉय किया आज हम उनको ये चेतावनी देना चाहते हैं आप कश्मीरी डिस्प्लेस पंडित अपने चुने हुए एमपी और पार्लियामेंट के हमारे वोटों से कश्मीरी विस्थापित का वोट जब किसी पार्लियामेंट के जिसको मंजे जिस पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीरी विस्थापित जन साहब की तरह बटन दबाएगा वो आज कश्मीरी पंडित का रिप्रेजेंटेटिव ही बन के नहीं जाएगा वो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। और मैं डंके की चोट आपसे यह वादा करना चाहता हूं एमपी के फंड का जो हिस्सा हमारा होगा हम लड़ के लेंगे या कोई किसी का जब हमारे वोट आपको जाते हैं जब असम गली में जाते हैं जब आप एमएलसी बनते हो जब आप मंत्री बनते हो और तब आपको डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित याद नहीं होता। और मुझे माफ करना जो हमारे कश्मीरी डिस्प्लेस माइग्रेंट के डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के पहले रहे हैं या आज भी जो है और उनको लगता है कि कश्मीरी पंडित के नाम पर और कश्मीरी का मैं एक रिप्रेजेंटेटिव बढ़कर जब वो एमएलए या मंत्री या एमएलसी बनता है तभी से ज्यादा फिक्र आसन इस यानी पार्टियों आसन जो तभी से खतरों में आसन खबर में मानने कुर्सी अगर वो कहा तो स्टेटमेंट दिव अगर वो कोशिश बस बात करे खबर में मानने की कुर्सी मगर योगी जी आपको वादा करता है मैं अगर कहीं भी कोई भी आज सिपाही की तरह कहीं भी अगर हम पहुंचेंगे हम कुर्सी को लात मारेंगे लेकिन कश्मीरी डिस्प्लेस कश्मीरी पंडित की बात हम करेंगे एक प्लेटफॉर्म पर जब आपका सपोर्ट होगा जब आपका साथ होगा। बाकी डिफरेंट पोलिटिकल पार्टियों के जितने भी हमारे लीडर साहबान है मैं उनको भी अपील करना चाहूंगा कॉमन काज के लिए कम्युनिटी की बात के लिए वन वॉइस की आवाज जब कभी कोई वन वॉइस को एक जगह एक स्थान पर कश्मीरी पंडित की अगर एक बात एक मकसद जब हमें अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ना भी पड़ेगा लेकिन कश्मीरी पंडित अपनी यूनिटी अपनी ताकत और अपनी वॉइस को दिल्ली के उस मंदिर में उस पार्लियामेंट में जब हमारी आवाज गूंजेगी और आने वाले टाइम में 25 तारीख को फिर एक बार मेरी तरफ से आपको अपील रहेगी